अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, फिर एक बार एक लड़की का कत्ल कर दिया गया है, ऐसा लड़की के घर वालों का इल्जाम है। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद अहमदनगर डिवीजन हाशिम ग्राउंड के पास आफरीन नामी एक खातून जो गुंगी है, बात नहीं कर पाती, उसका निकाह इब्राहिम से हुआ था जो जहरा नगर बंजारेल में इसका मेडिकल शॉप है और ये पहले से ही शादीशुदा है। पहली बीवी से बच्चे नहीं होने पर पहली बीवी और इसने मिलकर ये लड़की के घर वालों को अपना भरोसा दिखाया और बच्ची को अच्छा रख लेने का वादा किया, जिससे दो बच्चे हुए। दो बच्चों के इसकी बड़ी बीवी एक बच्चा देने का दबाव आफरीन पर डाल रही थी और आफरीन बच्चे देने के लिए इनकार कर रही थी और यही वजह है कि दोनों में आए दिन झगड़े होते थे। और आफरीन के घर वालों का इल्जाम है कि इब्राहिम और उसकी बीवी मिलकर आफरीन का कत्ल कर दिए। हुमायूं नगर पुलिस इस मामले में तहकीकात का आगाज कर दिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और मौत की वजह तलाश कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस की पूरी ईमानदारी से तहकीकात होगी और जो भी इसके पीछे गुनहगार है, जो हिरासा करते थे, जो मारपीट करते थे और आफरीन के जो कत्ल में मुलविस है, अगर कत्ल हुआ है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि फिर कभी कोई मासूम मजलूम लड़की की मौत ना हो। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजीज है, मैं बच्ची का खलेरा भाई हूँ। ये बच्ची क्या है, भैरी गुंगी है हमारी बहन। ये इब्राहिम बोलने वाला जो है, इन्हें आके हमारे घर में रिश्ता पूछा था। इसकी ऑलरेडी शादी हुई सो है, तो इनकी जोरू के साथ आके रिश्ता पूछे, इन लोगों की मंजूरी है देख के हम लोग शादी करें। शादी करने के बाद में एक बच्चा हुआ, एक बच्चा होने के बाद में बच्चा पूछे लोग, बच्चा पूछे तो हम लोग नहीं दिए तो ये दुश्मनी चालू करे। जब से प्लानिंग चल रही है इन लोगों की, दो बार तीन बार लड़ाई हुई। ये इब्राहिम बोलने वाला, इसका जहरा नगर में मेडिकल है, इमेज मेडिकल बोल के, और इब्राहिम नगर में भी है। इन्हें बहुत प्लानिंग से करा, और क्या है बोलने का मतलब क्या है बोले तो, रात में एक बजे आया, कल एक बजे आके माराम तोड़ी करा बच्चे के साथ। माराम तोड़ी करने के बाद उसको कुछ मार लग गया, बेहोश हो गई बच्ची। बेहोश होने के बाद में भी एक घंटे के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल को लेके नहीं गया, तो फिर जो बिल्डिंग के जो किराएदार पड़ोसियाँ जो है वो लोग आके फिर उसको मार के हुमायूं नगर PS में दे दिए। हुमायूं नगर PS में तो अभी कुछ जवाब आया नहीं हमको। हमारी तहे दिल से रिक्वेस्ट है हुमायूं नगर PS में कि हमारे बहन को इंसाफ होना। बच्ची का नाम क्या है? और हम लोग घर दिए थे बच्ची को, बच्ची का नाम आफरीन है हमारी बहन का नाम, और बच्ची गुंगी है भैया, उसको इंसाफ होना। और हमला घर दिए थे भोरा मंडे में, वो घर भी बेच दिया, सोना दिए थे सोना बेच दिया। हमारे भाई का सोना था, उसका जो भाई है हमारे बहन का, वो मैं खलेरा भाई हूँ, उसका भी सोना बेच दिया। अब कुछ भी पूछे तो हमारे आंटी के ऊपर ठगर रहा उन्हें। बच्चे वही बच्चा पूछे थे वो लोग, पहली बीवी को बच्चे नहीं है बोल के तो शादी करे, बच्चे नहीं है बोल के शादी करे, शादी करे प्लानिंग से। ये काम कर दिया भैया, दो बार लड़े हुए बोल के शादी करे लोग, ये प्लानिंग से मर्डर हो गया भैया। मैं रिक्वेस्ट है हुमायूं नगर PS में मर्डर केस बुक करो इसके ऊपर, इब्राहिम के ऊपर। हाँ, कंप्लेंट बुक करा दिए, एक्नॉलेजमेंट है उसका, एक्नॉलेजमेंट ये है। इसके ऊपर साइन भी नहीं है भैया, मगर ये क्या है समझ में आ रहा नहीं अपन को। पहली बात FIR बुक हुआ नहीं हुआ अपन को मालूम नहीं हो रहा। ये हुमायूं नगर PS में तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इंसाफ होना बच्ची को। भाई अभी जो जिनकी डेथ हुई है उनको कितने बच्चे हैं? दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, साल भी नहीं हुआ। पहले बच्ची हुई थी वो तो नहीं दिए, अब दूसरी में वो भी नहीं दिए, तो ऐसा कर दिए लोग। तो अभी आपका बोलने का मतलब प्री प्लान मर्डर है ये? जी प्लानिंग करके मर्डर करे भैया। देखिए भाई, मैं शेख अब्दुल, मेरा नाम है, बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 इब्राहिम नगर में रहता हूँ। वहाँ पे इनका इमेज मेडिकल है। इससे पहले आज से 3 साल पहले शादी हुई थी। शादी हुई है जब से क्या हुआ बोले तो, ये बच्ची को कभी आसिफ नगर में रखा, कभी मेहदीपट्टनम में रखा, कभी लाके यहाँ पे लाके, वो दो जगह भी मेरे को, मेरे भौने का भाई है, ये मेरा भौने नासिर है, ये इसका भाई है। आज मेरे को इसकी सूरत देख के आ जाना पड़ा, मगर क्या हुआ, 3 जगह भी इसको मैं डम्मी कर दिया था इब्राहिम को, यहाँ आके ये फैसला उठा लिया इन्हें। आज इन्हें थोड़ा दूर हो गया तो मेरे को एक जीरो समझ लिया। मगर ये बात है, बोरा मंडे में घर दिए थे, घर भी बेच दिया, और सोना दिए थे वो भी गायब हो गया। आज हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन से आज सुबह सर्कल साहब आए थे, SI साहब आए थे, दो कॉन्स्टेबल आए थे, एक क्या बोलते डेथ बॉडी की क्या
करने वाले आए थे, चेकअप करने वाले आए थे, चेकअप करने वाले आए थे डेथ बॉडी का। उन्होंने आए थे, उन्होंने घर में बैठे थे, उन्होंने कल रात की ये बात बोले मेरे को कि भाई कल रात में ये बच्ची को इब्राहिम मारते जब देख के वो बच्चे इब्राहिम को महावीर में इब्राहिम को मार के पुलिस के हवाले करे बोले। वो टाइम पे दो पुलिस वाले थे, आसिफ नगर हुमायूं नगर, दो पुलिस वाले थे। तो ये तेरा केस नहीं है, ये मेरा केस नहीं है बोल के छोड़ दिए। मगर आज क्या हुआ, मैं खुद जाके हुमायूं नगर से सर्कल साहब को लाया, हुमायूं नगर से पूरी एक रक्षक मंगा लिया। मैं ये घर में कैमरे भी है देख सकते। लाए बात क्या बोले, अरे भाई सास मारी बोल रहा, मैंने मारा उनकी अम्मा इत मारी बोल रहे। अब ये दोनों की हालत है देख सकते का है ना, ये दोनों की हालत है। इन लोगों को डरा के इनका घर बेच लेके खाया सो हुआ भट्टेबाज है इब्राहिम। पूरा रोड पे और एक घंटा बच्ची तड़पी तभी दरवाजा लगा है, ये अड़ोस पड़ोस वाले भी गवाह है बात के। और इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके लिए ये गरीब माँ बाप को इंसाफ होना बोलिए बोला बोल। शायद लाने जा रहा हूँ, मैं गांव को जा रहा हूँ, शायद लाने जा रहा हूँ, शाम में आता हूँ बोल के बोला। बोल के क्या बोला, फिर जोरू को ले लेके गया, बड़ी जोरू को ले लेके गया, ले लेके जाके फिर वहाँ से बड़ी जोरू मैसेज करी, मैं भी गई उसके संगात बोल के मैसेज करी। तो मैंने बची बोली कई को जी तुम एक झूठ बात बोले, तुम्हारे से बात करना है। रातों में तीन दो बजे तीन बजे आते बोलते मैं मतवा हूँ, दो दो बजे भी आता हूँ, तीन बजे भी आता हूँ बोल के। हर दिन का ऐसी टोचा रहा, हर दिन का ऐसी बच्ची को यहाँ मारा यहाँ मारा सब करा। दूसरे दिन क्या करा, ये पूरी लाश डाल दिया। दोनों बहस कर ले रहे थे, बहस कर ले रहे थे। मैं बोली आ माँ यहाँ बैठ जा, बच्चों को ले लेके तो नहीं मी पूरी बात होना, मेरे को कभी ना ऐसी धोखा देते, मेरे को पूरी बात होना बोल के बोले था। नहीं माँ लेके आ बोले तो पीछे से डाल के ढकल दिया बच्ची को, ढकल दिया, खाना पूरा टिक 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 कर दिया, घर पूरा चिक चिक कर रहा। सुबूत बोले तो भी आए लोग पूरे यहाँ पे रात भर, एक घंटा मेरी बच्ची बेहोश थी, दम निकल गया, मगर उन्हें लेके जा रहा नहीं, हम लोगों को जाने दे रहा नहीं बाहर। बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बच्ची को भाई 10 क्लास पढ़ाई चुड़ी के सर का ले जाके, खाना नहीं खाती थी मेरी बच्ची को पढ़ाई। मेरे को मदद होना उसको कुछ कड़ी सी कड़ी सलाह, शादी में घर भी दी, सोना बेच लिया, रहन रख लिया की बेच लिया की। क्या नाम है उसका, मोहम्मद इब्राहिम है। क्या काम करते हो आप, तुम इमेज मेडिकल में, घर कहाँ दिए थे तुम, घर बोरा बंडे में घर था। क्या हुआ वो घर का, वो घर का क्या करा की क्या की मेरे से सहना लिया, ना मेरा बेटा करा, ना मेरा दामाद कर, ना मेरा बड़ा दामाद भी नहीं था साथ, खाली उन्हें हमारी दोनों क्या करा की नहीं मालूम। बहुत बट्टे बाज है माँ, गाड़ी में तोला गाड़ी में शादी होगी, यहाँ के 2 साल शादी होगी, 3रा साल माँ, तीसरे साल में वहाँ दूसरी जगह भी घर में किराए से थे हम लगा। उन लगा बोले कहीं को दिए ये बट्टे बाज को बोले, कहीं को दिए हमारे बट्टे बाज को बोले, हमें क्या चाह रहे हैं क्या, मेरे को इंसाफ होना माँ। दो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, मेरे को इंसाफ है। उसने डबल डबल बोलता, मैं 4-4 शादियाँ करता हूँ बोलता, मैं 4 शादियाँ करता हूँ, 4 शादियाँ करता हूँ बोलता, कभी बोले तो यही बोलता, 4 शादियाँ करता हूँ बोलता। मैं कौन क्या उखाड़ लेता, मेरा पुलिस मेरे जेल में है बोलता। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.